आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी गैस लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए अहमदाबाद में सिटी गैस वितरण के संचालन को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। जी हाँ, गुजरात गैस को दिए गए प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ये भी कहा कि GRB नियम ना तो मनमानी है और ना ही संविधान के विपरीत। दरअसल सितंबर 2018 में अडानी गैस लिमिटेड को एक बड़ा झटका देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सांसद बावला और ढोलका में सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना और संचालन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड को प्राधिकरण देने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने गुजरात में अहमदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सिटी गैस नेटवर्क के संचालन के लिए AGL को अथॉरिटी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद AGL ने गुजरात हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर PNGRB अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और प्रतिद्वंदी गुजरात गैस के चयन को चुनौती दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने 2018 में AGL की याचिका खारिज कर दी थी। बाद में AGL ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। अडानी गैस लिमिटेड का एक तर्क ये था कि इसे अहमदाबाद भौगोलिक क्षेत्र के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क की स्थापना संचालन के लिए अधिकृत माना गया था, जिसमें PNGRB अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सांसद बावला और ढोलका के आसन क्षेत्र शामिल थे। इसने ये भी तर्क दिया था कि PNGRB ने उपरोक्त क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए बोली आमंत्रित करने और गुजरात गैस लिमिटेड के बाद से चयन के साथ आगे बढ़कर अदानी गैस के साथ होने वाले प्राधिकरण की पूर्ण अवहेलना की थी। इसी के साथ बताते चले कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्ता में बैठे राजनेताओं को ये सबक मिलना तो तय है कि न्याय के मंदिर में इंसाफ मिलता है पहले नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।